रिपोर्टर के तौर पर काम किया मुख्तलिफ अखबार में। फिर 82 में मेरी शादी हुई और बीच में वफा आया, मैंने जॉब छोड़ी। जॉब छोड़ी और उसकी भी कोई वजूहत होती हैं। फिर मेरे अब्बा जान ने कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा, मेरे हस्बैंड जो है लियाकत सलीमी साहब, वो ज़ाहिर मेरी फील्ड को जानते थे, मेरी शादी कोई आसान मरहला नहीं था। मैंने कहा कि जो मुझ पर कोई पाबंदियां ना लगाए, मैं वहाँ उस शख्स को प्रेफर करूँगी, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है, मैं लिखना पढ़ना मेरा उड़ना बिछना है, चाहे अदब है, शायरी अफसाना है, या तकरीबात है, या सहाफत है। तो इस मामले में मैं खुशकिस्मत ही रही कि मुझे कोई उनकी तरफ से गदगद नहीं थी, अब्बा जान ने मेरा साथ दिया। फिर ये है कि मार्च, ये सितंबर 83 की बात है कि मैंने डिक्लेरेशन फाइल किया, और वो भी डिक्लेरेशन जो है ना, तीन दफ़ा ये हुआ कि मुझे फिर ज़ियाउल हक साहब को शिकायत करनी पड़ी थी एडमिनिस्ट्रेटर की, क्योंकि डीसी इस्लामाबाद में जो अप्लाई करती थी, कहेंगे जी ये भी मैगजीन मौजूद है, ये भी मैगजीन मौजूद है। बिलाखिर ये है कि मिनिस्ट्री में हमारे एक दोस्त थे डिप्टी सेक्रेटरी नजबैर साहब, जो डिप्टी सेक्रेटरी प्रेस थे, उन्होंने कहा कि मुशावरत करके मैंने शिकायत कर दी आखिर ज़ियाउल हक साहब को, कि भाई एक तकरीब में मैंने कहा जी आपने ऐसे डीसी बिठाए हुए जो मेरा डिक्लेरेशन ही नहीं अप्रूव करते, हर चीज़ में निकाल देते हैं, राजा जफरुल हक मिनिस्टर इंफॉर्मेशन होते थे, वो भी सुन रहे सारे भाग। तो उन्होंने ये तो एक वो हो गई कि भाई देखो इन्होंने तो प्रेसिडेंट तक से शिकायत कर दी, एक शादी की तकरीब थी और वहीं उन्होंने ऑर्डर किया, उन्होंने कहा ये मैं नाम भी ले देती हूँ, जहीर साहब थे ख्वाजा सफदर के गालिबन साहबजादे होते थे। तो बहरहाल फिर ये है कि मेरा डिक्लेरेशन जो है ना चंद मिनटों के हिसाब से ये हुआ फाइनल किया, ये हमारे डिप्टी सेक्रेटरी होते थे, उन्होंने कहा जी निखार कर लो, निखार ही। मैंने कहा ये क्या नाम आप, कहने लगे बस देखे यही नाम मौजूद नहीं है, ये कर लें, और इस तरह ये डिक्लेरेशन हुआ और मैंने ये पर्चा निकाला। तो पर्चा जहरे निकालने के लिए बड़े इंतजाम करने पड़ते हैं, अब्बा जान का मुझे बहुत साथ था। हुआ ये कि ये फिर कुछ हादसे होते हैं ज़िंदगी में, मेरे हस्बैंड का कार एक्सीडेंट हो गया, उसमें बीच में ब्रेक आई बहुत ज़्यादा, बड़ी परेशानियां मैंने उठाई। और फिर ये है कि वफा आया काफ़ी, तो सितंबर 83 में, ये जो 86 में 85 सन 85 की बात, सितंबर 85 में मैंने निखार का बाकायदा शुमारा शाया किया मैगजीन की शक्ल, और फिर वो जहर के वीकली मैंने बस कहा कि मैं चूँकि रोजनामे में काम करने वाली थी, तो वीकली में मैंने कहा कि वीकली ज़्यादा ठीक रहेगा, चूँकि अगर हम उसको मंथली करते हैं तो उसमें जो है ना वफा बहुत आ जाता, पर काम करने का मज़ा ही नहीं आ रहा, तो वीकली ऐसा ही होता है कि जैसे रोजनामे में आप काम कर रहे हैं। तो इसी तरह ये मैंने पर्चा शुरू किया। फिर उसके बाद बहुत मुश्किल आई, बड़ी वो भी है, मेरे बेटियां भी हैं, मेरी दो बेटियां हैं, अल्लाह ताला ने मुझे ये दी दोनों। आप देखें कि शादी से पहले की जो मेरी लाइफ थी, आज़ाद बिल्कुल बेफिक्र और माँ बाप के साथ जोड़ती है, और उसके बाद से जो आजमाइशें शुरू हुई। पहला हादसा हुआ मेरे शौहर का कि उनका कार एक्सीडेंट हुआ और फ्रैक्चर, और ये बहुत मसले बने। फिर वो ज़िंदगी की अमली सूरत जो है ना वो सामने आ गया, और वो जो है ना फिर जो तजुर्बात होते हैं ज़िंदगी के, लोगों से सुनते थे ना कि पता चलता है कि ज़िंदगी के तजुर्बात क्या है, कुछ बात जो एक बहती चली जा रही है फ्लो में ज़िंदगी, वो नहीं होती, आपको आजमाइशें आती हैं। फिर बच्चे भी, दोनों बच्चे भी, आप देखिए एक एक साल का वफा है बेटियाँ मेरी, लेकिन यह है कि माँ बाप की बहुत सपोर्ट रही मुझे, उन्होंने देखा भाला, और ये वरना हमारे लिए तो बहुत मुश्किल था, लिखने पढ़ने में भी फिर एक लंबा वफा आया, अफसाना लिखने में। और ये मेरी ये किताब जो है, मैं आपको बताऊँ, ये गीले हर्फ, ये गीले हर्फ जो है अफसानों का मजमुआ है, जिसका टाइटल बनाया था हमीद सागर साहब ने, ये एक मेरी तहरीरों के फैन थे, सरकारी मुलाजिम थे, आजकल पता नहीं कहाँ हैं वो, लेकिन वो अफसाना सुनने आया करते थे, और उन्होंने कहा जी टाइटल मैंने बनाना। अच्छा, पहले आप जरा ये इंतसाब पढ़ दें, जो रिवायत है हमारी।
ये इंतसाब ये है उस बड़ा मैंने सोचा कि क्या करूं इसमें। ये पहले मैं बता दूं कि इस किताब में, ये छोटी सी किताब है अफसानों की, मेरे मुख्तसर अफसाने होते हैं, 17 अफसाने शामिल हैं। अहमद सलीम साहब ने मशवरा दिया मुझे कि तुमने इसके डिवीजन करनी है, पहला हिस्सा जिंदगी के लिए कहानियाँ, दूसरे हिस्से में जिंदगी के खिलाफ कहानियाँ, क्योंकि इसमें मौत का इस्तारा भी बहुत मौजूद है। तो मैंने इंतसाब किया उस जिंदगी के नाम जो कभी भी मेरी नहीं हुई। ये बड़ा बड़ा अनोखा और बड़ा दिलचस्प है। और मैंने जो था ना कि कुछ अपने बारे में या इसमें, उसमें भी मैंने कहा कि जी कल में वो कल जो कभी आने वाला नहीं होता, कल तो कल ही और वो पायदान होता ही नहीं कभी भी। ये जब ये किताब शाया हुई और उसकी तकरीबात भी होगी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर हर जगह, तो फिर ये है कि हमारी अम्मी जान ने जो शोर मचा दिया कि ये मेरे अब्बा जान से उनकी खासी इस बात पे होता था टकराव कि भाई आपने लड़की को बिगाड़ दिया, इसकी शादी कब करनी है, शादी का मरहला भी आता है बीच में। और मैं कहती थी कि नहीं, मेरी दूसरी किताब मैं बिल्कुल तैयार कर ली थी, मैंने अब्बा जान से कहा कि मेरी दूसरी किताब छपने दो। मेरे अब्बा जान ने कहा कि बेटा बात यह है कि इस तरह तो फिर ये कल पे चलती जाएगी बात, नहीं तुम ये किताब बाद में छाप। वो ऐसा कल हुआ कि अगर मेरी शादी एक महीना भी वो रोक देते तो मेरी दूसरी किताब आ जाती। और फिर वो ऐसा वक्फा आया कि उसके पास ज़िंदगी की आजमाइशें शुरू हुई कि मेरी दूसरी किताब आने में बहुत साल लगे, अब कंपाइल हुई पड़ी है और अभी भी मैं शाया नहीं कर सकी, अखबार छाप लिया, ये देखिए लिखा, ये मैंने उस ज़माने में निकाला। अब्बा जान की मोहब्बत थी, 6 महीने के बाद अब्बा जान का इंतकाल, ये मेरे लिए बहुत बड़ा हादसा था और एक टर्निंग पॉइंट था मेरी ज़िंदगी, क्योंकि मैं जो कुछ हूँ ना अनवार सौलत के उनका अक्स हूँ, जो कुछ वो कर सके मैं वो नहीं कर सकी। लेकिन आप कैपेसिटी में जो चीज़ें थी वो आगे बढ़ाई ना, देखिए ये तो जिंदगी का एक, और ये मैंने सोचा बयाद किया, यानी उनकी याद एक मिशन के तौर पर कैसे चला, और उन्होंने मुझे सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। नहीं वाले तो बड़ी सपोर्ट। अच्छा, उनका मजमूआ जो है ये, वो किस नाम से? ये चिराग लाल अपने मेरे अब्बा जान के ये शायरी का मजमूआ, ये छापा तो एक ही मजमूआ है उन्होंने। मैं कहती थी अपना छाप नहीं रहे, मुझे कहते हैं कि अपने छापो, अपने छापो पहले। और ये गीले हर भी उन्हीं की जिद से छपी थी, और ये चिराग लाल ये उनकी पीछे उनकी तस्वीर है। अच्छा, उन्होंने, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि उनकी बहुत सारी किताबें हैं, उनका एक है खुतबाए तबूक, वो मंजूम है, वो दो, एक उन्होंने दरूद ताज मंजूम किया वो शाया वो, और वो उन्होंने हरम शरीफ भेजा था, 1 लाख छपवा के हाजी कैमे रखवा देते थे कि जो भी हाजी जा रहा है उठा के ले जाए, मंजूम दरूद ताज तर्जमा उर्दू में मंजूम, और ऊपर साबित ताजवल मैराजवल बराके और इसी तरह से नीचे किया उन्होंने, बहुत अच्छा वो छपा। और फिर उन्होंने खुतबा तबूक एक लिखा, वो भी मंजूम है, अपने हाशमी साहब थे अब्दुल कदूस हाशमी ओरिएंट वाले, और अब्बा जान के बहुत दोस्त थे, तो उन्होंने उनकी उसके खुतबा तबूक में उनके साथ मदद की। फिर उन्होंने सीरत उन्नबी लिखी अब्बा जान की। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि अनवार सौलत साहब को ये उर्दू इंग्लिश डिक्शनरी उन्होंने शाया की, और ये शाह साहब जाकिर शाह साहब जो हैं मेलोडी में उनकी शॉप थी, वो दोस्त थे उनके, पब्लिशिंग का काम भी करते हैं, उन्होंने शाया की थी खुतबाए। तो फिर उन्होंने खुद हाथ देखना सीखी है, इल्म नजूम से भी शगफ था, तो उनकी उस पर भी उनकी 3 किताबें हैं, इल्म उल आदाद, आपकी तकदीर,
किताबें भी शाया हुई और ये सब वो किताबें छाप के बेच रहे हैं, रॉयल्टी खा रहे हैं, हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी बदली आती है। और मेरी उनसे खासी इस पे तकरार हुई थी, तो कहते हैं उन्होंने तो जुमला हकूक हमें दे दिए थे। मैंने कहा शादी बात ये है कि मैं जिंदा सलामत हूँ, अब्बा जान की हर बात का मुझे इल्म है, उन्होंने कोई जुमला हकूक आपको नहीं दिए। तो ये किताबें थी। फिर उन्होंने बच्चों के लिए 3 किताबें लिखी थी जो कराची KPT में के स्कूलों में वो लगी निसाब में, निसाब में। और कैप्टन अरशद होते थे KPT के चेयरमैन, अब्बा जान के वो बहुत दोस्त थे, उन्होंने लिखवाई थी 3 किताबें उनकी वहाँ उसमें। फिर उन्होंने काम शुरू किया था तफहीमुल कुरान, कुरान पे उनकी बहुत नज़र थी, बड़ी उसकी रिसर्च करते थे। और उन्होंने किताबें कंपाइल करके मुसव्वदे रख दिए, ज़िंदगी ने इतनी मोहलत नहीं दी कि वो शाया कर सकें, चूँकि मतवसत तबके के लोग थे, माली तौर पर इतनी आसूदगी तो नहीं थी कि किताबें छापते और सारे अखराजात बर्दाश्त करते। तो वो आप देखिए कि सीरतुल नबी उन्होंने लिखी, बच्चों के लिए सीरतुल नबी लिखी, और वो मुसव्वदे पड़े हुए हैं, मैंने बुक फाउंडेशन को दिए कि भाई ये इशाद का इसका अहतमाम करें। अपने नामुल हक जावेद साहब उसमें उनके सरपरस्त थे, चेयरमैन थे। मुझे ये समझ नहीं आती कि कौन से लोग इन्होंने कमेटी में रखे हुए होते हैं जो दीनी किताबें, जो इतनी अच्छी अच्छी किताबें उनके मुसव्वदे हैं और वो शाया ना कर सके। उनकी आप बीती मैंने निखार में किश्तवार शाया की अब्बा जान की जी। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बुक फाउंडेशन गवर्नमेंट इदारे तो बना देती है, लेकिन ये इदारे यहाँ पर अकरबा परवरी बहुत ज़्यादा है। मुझे ये कहने दीजिए, चाहे वो अकेडमी ऑफ लेटर्स है, चाहे वो बुक फाउंडेशन है, चाहे मुख्तारा है, यहाँ पर यही काम चलता है, फेवरेटिज्म। और जो मैंने उनसे पूछा तो मुझे आपकी रिकॉर्ड किसी ने बताया कि भाई कमेटी में, मैंने कमेटी में लोग कम शामिल हैं, तो आजकल के जो लोग शामिल हैं वो उनका दीन से और सीरतुल नबी से या इस पे वो मुस्तनद उनकी हैसियत नहीं होती, वो इन चीज़ों का नहीं समझते कि किसी ने क्या लिखा, कब लिखा और क्या है। जबकि इनामुल हक जावेद साहब ने मुझे अपने मुलाकात में खुद ये कहा, ये वो लोग थे जो अब्बा जान से इस्लाह लेते रहे ज़बान की, और वो मानते हैं इस चीज़ को, तारिक शाहिद इस बात का गवाह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने लिखना शुरू किया, देखा, पढ़ा। तो अब उसके बारे में क्या कहा जाए जी, ये मसाइल ये बहुत मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ कॉल और फेल में बहुत तजाद है। अभी जैसे जो ये जो गवर्नमेंट की सतह पर इजाजत दिए जाते हैं, और उसमें भी ये कि सिफारिशें चलती हैं, आप फेवरेटिज्म इसमें बहुत ज़्यादा है। जितनी बड़ी से बड़ी जो हुकूमत में बैठे हुए किसी लोगों की दोस्ती है या आप उनके मंजूरे नज़र हैं तो आपका नाम चला जाएगा। ये बदकिस्मती है, ये बदकिस्मती है। और इसमें हमारे बहुत से बड़ी बड़ी ख़वातीन जो हैं, या ख़वातीन भी और अहल कलम भी, जो चापलूसी खुशामद से मुतनफ़र हैं, वो नहीं चाहते इस तरह के किसी के घुटनों को हाथ लगाए या पाँव का हाथ लगाए। हमारे बड़े बड़े लोग जो डायरेक्टर जनरल और चेयरमैन के लिए, उन्होंने पाँव भी पकड़े, सब कुछ किया है। और ये ऐसी हकीकतें हैं जो आम आदमी को तो पता नहीं है, लेकिन जो सफ़र तो होते ही हैं ना, कि आम शख्स जो है ना वो उसकी रसाई उस लेवल पे नहीं है। मैं समझती हूँ कि ये जो इदारे हैं ना, देखें कि किसी की आपने खिदमात का इतराफ़ करना है तो उस समय वो बिला तख़सीस होना चाहिए। आप ये मत देखिए कि वो किस तबके से ताल्लुक़ रखता है, किस इलाके का है, कहाँ का है। आप ये देखिए कि वो जो कुछ लिखा है उसकी शोहरत ऐसे ही तो नहीं चलेगी, कहीं इधर उधर वो अगर कोई कलमकार है, पहचाना जा रहा है, सहाफ़ी है, अदीब है, शायर है, अफसाना निगार है, कहाँ तक जा रहा है। अफसाना निगार तो पीछे ही रह जाते, उन्हें तो कोई पूछता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। एक दफ़ा कहीं पे बात हो रही थी कि शामें अफसाना बनाने के लिए, एक ज़माना था कि मरी में आर्ट्स काउंसिल में अपने बहुत वो कश्मीरी साहब थे, और लतीफ़ कश्मीरी साहब, उनके ज़माने में मरी का हल्का, मरी में लिटरेरी सर्कल बहुत एक्टिव रहा है।
आप ये देखिए कि यहाँ से अफसाना पढ़ने शाम अफसाना में मैं वहाँ जाती थी, बड़ा अच्छा लगता था। बहुत से सारे लोग जाते थे अलग अलग जा रहे वहाँ पढ़े अफसाना पढ़ा था शाम को वैगन में बैठ के घटा गए आगे इकट्ठे होके चले गए। एक शख्सियत होती थी अल्लाह दिता अदीब साहब, बड़े अदीबों के कदरदान थे वो, सरपरस्ती भी फरमाया करते थे खाने वाने का। ये तो ऐसी ऐसी शख्सियात भी रही हैं जो खुद अदीब नहीं थे लेकिन अदब को सुनना अदब को प्रमोट करना अदीबों की पजीराई करना ये भी बड़ी दिल गुर्दे की बात होती है, बड़े जर्फ की बात होती है, बड़े लोग होते हैं उनको एक्नॉलेज करना चाहिए। तो बहुत बात होती है ये। और जब मैं सहाफत को मैंने बाकायदा प्रोफेशन के तौर पे अपनाया और इसमें चूँकि मेरी तबीयत में किसी की आप ये देखिए कि अंडर प्रेशर होके मैं काम नहीं कर सकती, इंडिपेंडेंट मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट ही काम करना चाहती हूँ, मेरे ऊपर कोई तलवार न लटकी हुई हो, मैं जो लिखना चाहूँ तो बेधड़क लिखूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। और यही सारे मेरी आप समझ लीजिए कि आदत है या उसको आप जिद समझ लीजिए या आदत समझ लीजिए या मेरी एक विल पावर समझ लीजिए कि मैंने उस पर काम किया, कोई समझौता कभी नहीं किया। और ये मैं आपसे अर्ज कर रही थी कि मेरे दो बच्चे हैं, बेटियां हैं, और ये दोनों बेटियां माशाल्लाह अल्लाह गॉड गिफ्टेड हैं। मैंने कभी ये ख्वाहिश नहीं की कि मेरा बेटा नहीं है, यानी ये मैंने बेटों की तरह पाला। ये छोटी थी, मेरे किताबें साले आते थे, आप ये देखिए कि ये बच्चियाँ 3-3 साल की थी तो इनके लिए मैंने लाइब्रेरियाँ शुरू की, मैंने इनको बच्चों के जितने रिसाले थे वो मैं यानी जो आपके वालिद ने आपको जो माहौल दिया मैंने अपने घर में आपने उसी तरह जो है मेरी लाइब्रेरी थी, हमारा दूसरा घर था उसमें लाइब्रेरी एक मैंने बनाई हुई थी, यहाँ भी लाइब्रेरी है मेरी उधर, लेकिन ये थोड़ा छोटी अंदर है कि किताबों अलमारियों में बंद हो जाती हैं। तो मैंने बच्चों के लिए वही महाना के तौर पे खिलौना रिसाला फूल कलियाँ आँख मचोली और तालीम तरबियत और फूल। मेरी जो बड़ी बेटी है जो माशाल्लाह आज तो वो डॉक्टर फरोहा है, फरोहा लियाकत, वो डबल PhD है और पोस्ट डॉक की है उन्होंने, जो फॉरेंस पढ़ के आई हैं और आजकल कायद अजम यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर एकेडमिक भी हैं। अभी तीसरा 3 साल होने वाले हैं इनके यहाँ पर हो रहे हैं बल्कि। तो ये जर्मनी से इन्होंने वहाँ की उस पर गई हैं ये स्कॉलरशिप जी जी। तो बहुत गटनबर्ग यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर मारूफ यूनिवर्सिटी है वहाँ पर माइंस में, वहाँ से इन्होंने PhD की, एक PhD इनकी कोरिया से सोल में जी जी, वो उनको जो सब्जेक्ट जिस तरह मिले थे वहाँ से। और माशाल्लाह इन्होंने बहुत नाम कमाया, उससे पहले जो है इनकी सिलेक्शन और फिर इसके बाद ही पोस्ट डॉक के लिए गई UK ग्लासगो यूनिवर्सिटी, वहाँ से इन्होंने पोस्ट डॉक की। कॉन्ट्रैक्ट भी छोड़ के आई जॉब का, तो 3 साल इन्होंने 2 साल ही काम किया, इनका बस मैंने अब वापस पाकिस्तान जाना अपने, क्योंकि ये कायद अजम यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं और सब्जेक्ट इनका है फिजिकल केमिस्ट्री जो बहुत बड़ी बात है। तो अदब वगैरह भी कोई आपकी किताबें वगैरह पढ़ती हैं? बहुत इनको शौक है, मैं इसलिए इसका जिक्र ये कर दूँ कि किताबें जब दोनों को मैं दोनों बेटियों को एक एक साल का तो डिफरेंस है दोनों में, लेकिन हम खरीद के देते थे किताबें रिसाले पढ़ने के लिए। जब छोटी थी घर में और तो कोई है नहीं तो मैं कैसेट कहानियाँ लाती थी और वो जब उसमें कैसेट प्लेयर में लगा दिया कि बच्चे ताकि वो अकेले बोर ना हो कुछ ना हो तो वो सुनते थे। इसी तरह से फिर ये मेरी बेटी ने इसको इसका रीडिंग का बहुत बहुत ज़्यादा मतलब है। दीन के बारे में आप उनसे पूछिए कोई भी फिका किसी के बारे में बहुत दस्त है, शायद मुझे इतनी नहीं होगी जितने उनको है। और ये उमेरा अहमद के ये नावल बहुत पढ़ती हैं, उनके जो बहुत अच्छे ये जो मजहबी अकीदे के तौर पर उमेरा अहमद के बहुत ज़्यादा चले हैं और इनकी दोस्त भी ने
इनकी सालगिरह पर तहाइफ की सूरत में किताबें ही देती थी। आप देखिए कुदरतुल्ला शाह का, पानो कुदसिया के, मुमताज मुफ्ती के, सारी किताबें इनकी लाइब्रेरी में मेरी बेटी की, और ये यूके वहाँ पर भी लेकर। तो उनको कुछ लिखने की तरफ भी रुझान है? नहीं, अब चूँकि सिर्फ वो साइंटिस्ट हैं, अब वो केमिस्ट हैं, अब वो सारा वक्त अब उनका ये उसमें, अब पीएचडी कराती हैं ये कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में। तो दूसरी बेटी में, दूसरी जो छोटी, इससे जो छोटी हैं आप देखें कि वो मेडिकल, वो भी वो डॉक्टर है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, उन्होंने पढ़ा शिफा से, वो भी यानी विनर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, शिफा से उन्होंने ये किया मेडिसिन में, और एमबीबीएस किया, फिर स्पेशलाइजेशन यहीं से की उन्होंने, और फर्स्ट गो में वो एफसीपीएस पास किया, और फिर उनकी शादी कर दी मैंने उसके बाद, क्योंकि बस तो वो दुबई में है इस वक्त, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस वक्त वो आप देखेंगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के तौर पे काम कर रही है अभी, और माशाल्लाह उसकी इतनी उन्होंने ये कोविड के दिनों में, वो जाहिर है कि फर्स्ट लाइन वो हेल्थ वर्कर हैं, उनको गवर्नमेंट ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको एक्नॉलेज किया, सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए, ओवरऑल ये वहाँ पर होता है और उनके खिदमात को सराहा जाता है बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ तो इतनी पजीराई होती नहीं है, लेकिन हम वहाँ दुबई गवर्नमेंट में उनके साथ बहुत ऐसा हुई है, और इस वक्त भी वो उस पर टॉप वन पोजीशन में काम करती हैं। तो इसी तरह अभी ये बेटी हैं दोनों, ये मेरी बेटियाँ, ये इनका तारुफ है, और ये गॉड गिफ्टेड इनकी जो है ना क्वालिटी, देखिए ये पढ़ने में जब तक स्कूल में रही, ये इनका पढ़ने की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था, लेकिन ये मेरी बेटी जो बड़ी है डॉक्टर फरोहा, ये इनकी बहुत सैर सपाटे का इन्हें बहुत शौक है, जब यूके में वहाँ थी इन्होंने बहुत आधी से ज़्यादा दुनिया देखी है, बहुत ट्रैवल किया है। अच्छा आप ये बताएं कि आजकल आप क्या क्या मसरूफियात है, अभी मतलब कुछ लिख पढ़ रही हैं, लिखने का? जी लिख रही हैं। क्या कॉलम मेरे हैं, कॉलम एक तो अपने पर्चे में मेरे कॉलम छाए होते हैं, ठीक है, वो तो एक रूटीन की है कि हर शुमारे में जाता है, हफ्ता वार अखबार है तो उसमें जाएगा, कॉलमों का मजमू है मेरे कई, मैंने वो कंपोज होके और उनको फाइनलाइज कर रही हैं, अब उसमें सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो सियासी कॉलम ज़्यादा होते हैं, तो उसको सियासत को कोई अदब से मुतल्लिक भी है, कोई दोस्त है बाप, बहुत से वाक़ात हो जाते हैं उनके बारे में भी लिखा जाता है, वो भी सारे तफसील लिखा तो जा रहा है, अफसाने मैंने लिखे, किताबी शक्ल में तो नहीं आए अभी तक, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं कब जिंदगी का चराग गुल हो जाए तो ये बिखरा हुआ सारा असासा समेट लेना चाहिए और कर लूँ मैं किसी तरह, उसके लिए वक्त निकालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आजकल किताबों की छपाई इस कदर महंगी हो गई है नहीं, लेकिन वो शरीर पब्लिकेशन वाले तो बड़ी अच्छी आसान शराइत पे जो है, अभी आपसे उस पर बात करूंगी, पूछूंगी कि कैसे कर रहे हैं। नहीं, वो नसीर अहमद नासिर साहब हैं, उन्होंने कई उद्भव शोरा की जो है किताबें शाया की हैं और बड़े आसान शराइत, मतलब किसी हद तक जो है ना होने के बराबर उनको पेमेंट देते हैं। मैं करूंगी बात उनसे, शरीर साहब से करें तो वो बिल्कुल आपकी, और ये चीज़ें होनी चाहिए बिल्कुल। और ये ऐसा है, मेरा चूँकि ये अपना पब्लिकेशन का काम भी रहा, मैंने कोटेशन मैं देती रही हूँ, मैंने एकेडमी की भी कोटेशन दी थी, ये जो इन्होंने सबसे पहले डिक्शनरी एक उर्दू इंग्लिश की शाया करने का वो किया था, कोटेशन दी थी और हमारी हो भी गई थी, लेकिन ये है कि फिर आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी में बहुत से लोग आ जाते हैं जिन्होंने काम लोगों ने करने नहीं होते, वो लोएस्ट रेट पे चले गए तो उसे छोड़ दिया, लेकिन मैंने कई किताबें लोगों की शाया भी की थी, तो हाँ, और कारगिल के मुजाहिद एक किताब थी, ये आप ये वहाँ से सैद साहब एक आते हैं उन्होंने लिखी थी, उन्होंने मुझे कहा कि ये शाया कर दें, उनकी मैंने शाया की, लेकिन मसला ये है कि ये लोग चूँकि ये नो लॉस नो प्रॉफिट बेस पर मैंने शाया की थी तो वो पैसा ही नहीं देते, फिर इसमें आके फिर मैंने ये ड्रॉप कर दिया था आइडिया, वरना मैंने कंपोजिंग में कमर्शियल कंपोजिंग वगैरह काफ़ी की अपने इदारे से। तो अब ये जो आपका निखार मैगजीन वीकली जो शाया हो रहा है, तो
इसमें कोई आमदनी वगैरह की है या आप? इस वक्त तो बराबर हो गया, ये डेढ़ साल जो गुजर गया है इसने तो हमें, इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि एक साल से जो इश्तहारात अखबारों में छपे भी हैं ना, पहले तो बिल्कुल ही बंद कर दिए थे, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी जा रही है ना वो ये, मैं आप सर्च करूँ कि मैं मेरा अखबार 93 से जो है ना APN ऑल पाकिस्तान न्यूज़ पेपर सोसाइटी की मेम्बर हूँ और CPNE की मेम्बर हूँ, ये काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर से एडिटर्स हैं, और इनकी मैं इलेक्शन लड़के इसकी अहदेदार हूँ, एग्जीक्यूटिव कमेटी में आती हूँ हर साल, और वो बड़ा टफ हमारा ये इलेक्शन होता है उसमें मैं आती हूँ, फिर फेडरल कमेटी रावलपिंडी इस्लामाबाद की APNS की, उसकी कभी कन्वीनियर कभी अल्टरनेट कन्वीनियर, हर साल हमारे ऐसे होता है जो यहाँ के जो लोकल इश्यूज होते हैं सॉरी पॉलिटिकल, चूँकि मेरा ताल्लुक पॉलिटिकल से था, पॉलिटिकल कमेटी की मेंबर, कभी अल्टरनेट उसकी हमें ये बना दिया जाता कि आपने गवर्नमेंट प्रेस रिलेशन जो है इस पर काम करना, बात करनी, इश्यूज जो है इश्तहारात नहीं मिलते क्यों नहीं मिलते, और जो गवर्नमेंट के साथ हमारे मामला होते हैं वो सारे किए और करती आई हूँ, और लेकिन उस जीवन में जाहिर है कि मिनिस्टर से मिलना, इनसे ये मौजूदा जो सेटअप जा रहा है इसमें, इससे हमें बहुत मायूसी हुई, प्रिंट मीडिया की इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ। कोरोना की वजह से भी कुछ मसाइल नहीं, कोरोना का मसला नहीं है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, चूँकि इन्होंने यहाँ पर इन्होंने ऐसी पॉलिसीज दी कि प्रिंट मीडिया ख़त्म हो जाना चाहिए, सिर्फ 3-4 अखबार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आप देखिए कि बिल्कुल 300 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल हैं, और ये उनमें कितने हज़ारों लाखों लोगों का रिस्क वापस आए, बड़े बड़े अखबार बहुत थे को कितने 600-700 अखबार को बंद कर दिए, अब इतना तंग किया जा रहा है कि जब आपके पास रिकवरी नहीं होगी, बिजनेस नहीं आएगा और जो आ रहा है उसके पैसे नहीं आएंगे, तो आप एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें कहाँ से देंगे, ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा। और मैंने समझती कि दुनिया भर में ठीक है प्रेस के बहुत तब्दीली आई है, प्रिंटिंग प्रेसों के उसमें भी बहुत से, प्रिंट इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा, अखबारात की इंडस्ट्री में भी बहुत क्राइसिस आए हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो हद ही ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर ये समझना चाहिए कि किताबें जिस तरह ज़िंदा रहती हैं, इसी तरह अखबारात और ये जो हफ्त रोज़ा रसाइल होते हैं ना, ये भी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, और इनमें छपने वाली चीज़ें आपको याद आती हैं, ये हर्फ जो है, मज़ामीन जो है हरूफ की सूरत में इकट्ठे होके मुश्तमा होके एक असासा होते हैं जो आइंदा नस्लों तक जाते हैं और जाते हैं, और ये इसका तहफ़ करना चाहिए, हम अपनी नई नस्ल को तारीख से और किताबों से दूर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा अलमिया है। मैं कोशिश में हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि किताब को ज़िंदा किया जाए, रखा जाए, और मैं बहुत से लोगों से बात करती हूँ कि आज आइए मेरे साथ हाथ बढ़ाइए, मेरे साथ मिल के किताबों को ज़िंदगी दें, किताबें आपकी दोस्त हैं जो मरते दम तक आपके साथ रहेंगे, और मैं ये चाहती हूँ कि बिल्कुल ऐसा है कि इसमें उद्भव शोरा की अपने हर अदीब शायद जो अपने तौर पे कोशिश करता है कि किताब से रिश्ता वाबस्ता रहे, अदब से, और इस तरह से जो है ना माहौल जो है वो किताब से जुड़ता रहे, ना कि किताब से जो है वो दूरी पैदा हो। लेकिन मैं आपसे आप भी मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि अब जब से ये कंप्यूटर का ज़माना आया है, इंटरनेट का ज़माना आया है, गूगल का ज़माना आया है, तो आप देखें कि इन्होंने जो हमारे से नौजवानों को छीन लिया, किताबों से दूर कर दिया, अब वो ये प्रिंटेड किताबों को ना कोई ख़रीदना पसंद करता है ना कोई पढ़ना पसंद करता है, कहते हैं ज़रूरत होगी तो नेट से पढ़ लें। ऐसे ही है, अब नेट से पढ़ना, आप देखिए अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, आपके पास कंप्यूटर नहीं है, तो कितने परसेंट लोग होंगे जिनके पास? तो ज़रूरत ये है कि लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि किताबें खरीदें, किताबें छापें, किताबें सस्ती किताबें छापिए। हमारे यहाँ अब तो एक बीमारी ये भी हो गई है कि इतनी महंगी तरीन किताबें शाया की जाती हैं। ये शोभा बहुत मुतासर हुआ है, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है किताबें छापना,
भी मुश्किल हो गया और खरीदना मुश्किल हो। हम गुफ्तगु जो है जारी है, रुखसाना साहिबा की हमारे से पब्लिशिंग पे बात हुई, सहाफत से बात हुई और अदब के हवाले से बात हुई। तो अब हम इजाज़त चाहते हैं, आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। और नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने इतना मुझे मौका दिया और बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई हर मौजू पर। और मैं समझती हूँ कि किताब को प्रमोट करने के लिए आपकी भी खिदमत बहुत ज़्यादा हैं और मैं उसे भी अप्रिशिएट करती हूँ। बहुत शुक्रिया कि इस तरह से आप अदीबों शायरों को जिंदा रखने का एक बहाना बने और ये होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।